मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने परीक्षा फीस के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए छात्रों से वसूले हैं। इतना ही नहीं, बेरोजगार युवाओं की आत्महत्या के मामले में भी मध्य प्रदेश नंबर वन पर है। और जब प्रदेश में कोई भी चुनाव पास आते हैं तो प्रदेश की शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं, छात्र छात्राओं, बेरोजगारों को गुमराह करने के लिए यूथ महापंचायत जैसे बड़े आयोजन करती है और प्रदेश के भोले भाले नौजवान छात्र छात्राओं के साथ छलावा करती है। यह आरोप मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ विक्रांत भूरिया ने लगाए हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह आरोप मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 2004 से लेकर 2021 तक के आंकड़ों को पेश करते हुए शिवराज सरकार को जमकर घेरा। साथियों, एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, और वही स्थिति हो गई है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की। वो जो बोले वो कम है। आज युवा नीति का की घोषणा करने जा रहे हैं, युवा महापंचायत कर रहे हैं, पर ऐसी बहुत सारी हकीकतें जो मैं आप सबके सामने आज रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित है, यह मध्य प्रदेश की सच्चाई है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों से जबरदस्त लूट रही है शिवराज सरकार। व्यापम और परीक्षाओं के माध्यम से 1,000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने हमारे युवाओं से लूटा है। यह वही सरकार है जिस शिवराज सरकार के शासनकाल में 10,000 छात्रों से ज्यादा, 7,000 बेरोजगारों से ज्यादा हमारे युवाओं ने आत्महत्या करी है। आज जो ये महापंचायत कर रहे हैं, इनको आज महापंचायत नहीं करना थी, इनको महाशोक सभा करना थी, क्योंकि ये जो 17,000 से ज्यादा परिवारों के चिराग जो मिट गए हैं, लूट गए हैं, उनका जवाब कौन देगा? क्या शिवराज सिंह चौहान ये देने के लिए, ये जवाब देने के लिए तैयार है? व्यापम के नाम पर, जो कि देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला था, 45 लाख परिवारों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। दोषियों को छोड़कर जो पीड़ित परिवार थे, पहला कभी ऐसी जांच देखी गई थी जहां पीड़ित परिवार को जेल में डाला गया और जो दोषी थे उनको फरार कर दिया गया। 90 अरब से ज्यादा का यह घोटाला था। मध्य प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षाओं के नाम पर लगातार घोटाले हो रहे हैं। व्यापम घोटाला, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का घोटाला, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्तियों परीक्षा घोटाला, बीडीएस नर्सिंग परीक्षाओं का घोटाला। और सरकार क्या करती है, शिवराज सिंह चौहान जी क्या करते हैं? शिवराज सिंह चौहान जी दोषियों को नहीं पकड़ते हैं, वो परीक्षाओं के और संस्थानों के नाम बदल देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।